हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं प्रियंका मैम योर टीचर फॉर क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर फाइव ऑर्गेनाइजिंग और आज का जो सब टॉपिक है डैट इज प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन जो मेरा पिछला सब टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था मैंने आपको उसमें बताया था कि डेलीगेशन कैसे स्टार्ट होता है एंड जो सुपीरियर होता है उसको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है बट आज का टॉपिक प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन का एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में एक्सप्लेनेशन है सो so, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना सो so, स्टूडेंट्स आप सभी हैं मैग्नेट ब्रिन्स प्लेटफॉर्म पर यह इंडिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडर गार्डन टू क्लास ट्वेल्थ हम आपको तैयारी कराते हैं सी बी एस ई बोर्ड की एंड स्टेट बोर्ड्स की भी अगर आप कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं जो हिंदी मीडियम से हैं आप उन्हें बता सकते हैं मैग्नेट ब्रिंस हिंदी मीडियम चैनल के बारे में इसके अलावा जो हमारी इंग्लिश मीडियम में हम वहां पे किडर से लेके क्लास ट्वेल्थ तक की एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट और हिंदी मीडियम चैनल में हम आपको प्रोवाइड करते हैं क्लास सिक्स से लेकर क्लास ट्वेल्व तक की एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वी प्रोवाइड यू फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेस अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड स्टूडेंट्स आप इन सब चीजों का बेनिफिट उठा सकते हैं एंड आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है एंड अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम ब्रिंगिंग हंड्रेड अपॉन हंड्रेड इन बिजनेस स्टडीज अलॉन्ग विद यू चलिए so, करते हैं आज का Take out your and उसमें डालिए सो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं डेलीगेशन प्रोसेस के सो फर्स्ट एलिमेंट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंड होता है अथॉरिटी एंड थर्ड होता है अकाउंटेबिलिटी ठीक है अब कोई भी मैनेजर है जिसको उनके टॉप लेवल मैनेजर्स ने कोई भी डिपार्टमेंट मैनेजर है जिसको टॉप लेवल मैनेजर्स ने कोई ना कोई टास्क असाइन किया है कोई टारगेट असाइन किया है अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्क को अच्छे से समझें एंड डिस्ट्रीब्यूट करें फिर नेक्स्ट उनकी अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग की एंड अगर कुछ भी गलतियां होती हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी है कि उसकी जिम्मेदारी ले एंड दिस ब्रिंग्स अस टू दिस फ्लो चार्ट विच इज़ एन अमेजिंग फ्लो चार्ट जो आपको पूरा प्रोसेस एक ही फ्लो चार्ट में समझाती है सो so फर्स्ट आपके कंसेप्ट रजिस्टर में लिखा होना चाहिए ये फ्लो चार्ट दैट यर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ आर डेलीगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आर डबल ए ठीक है आर ए ए ठीक है इस तरह से आपको याद रखना है नाउ स्टूडेंट्स अब अगर आगे देखें देर आर थ्री एलिमेंट्स एक, एक एक एलिमेंट को अच्छे से समझेंगे फर्स्ट एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है सो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल मतलब कि ये मैनेजर था हमारे प्रीवियस सेशन के एग्जाम्पल में जो कि कौन था सेल्स मैनेजर इनको क्या बोला था कि इनको वन थाउजेंड की सेल करनी है और टाइम पीरियड इनको कितना प्रोवाइडेड था टाइम पीरियड टाइम पीरियड इनको प्रोवाइडेड था वन मंथ ठीक है तो ये क्या है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल समझ में आया नाउ स्टूडेंट्स इट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज टू बी परफॉर्मड बाय द एम्प्लॉइज एट पर्टिकुलर जॉब पोजिशन ठीक है अब रिस्पॉन्सिबिलिटी में दो चीजें होती हैं फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल एक्टिविटी वो भी सिर्फ ना मैनेजर की बल्कि सारे लोगों की ठीक है अब मैनेजर ने दिमाग क्या लगाया था आपको याद होगा एग्जाम्पल में जो मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था इसने इसके अंडर में फाइव सब थे है ना सो फाइव सबऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट नंबर वन सबऑर्डिनेट नंबर टू सबऑर्डिनेट नंबर थ्री सबऑर्डिनेट नंबर फोर एंड सबऑर्डिनेट नंबर फाइव तो इन सब में 200 200 यूनिट्स का जो प्रोडक्शन है वो डेलीगेट कर दिया था ताकि 1000 यूनिट्स वन मंथ में कंप्लीट हो पाए ठीक है तो यहां पर आपने क्या देखा ये इनकी कैसी एक्सरसाइज थी ये इनकी थी मेंटल एक्सरसाइज कैसी एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स मेंटल एक्सरसाइज दिमाग लगाना डिसीजन लेना कि कैसे प्रोडक्शन डिवाइड होगा ठीक है अब ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ठीक है ठीके? ये जो एम्प्लॉयज़ हैं इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया ठीक है इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया बट ये वाले जो प्रोडक्शन वो स्टार्ट कर रहे थे है ना 200 यूनिट्स बनाना इन्होंने जब स्टार्ट किया ये जो 200 यूनिट्स ये बना रहे थे ये कैसी एक्सरसाइज है फिजिकल ये कैसी एक्सरसाइज है फिजिकल एक्सरसाइज है तो so, समझ गए इस लाइन को इट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय इम्प्लॉय एट अ पर्टिकुलर जॉब पोजीशन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन बिगिंस व्हेन बिगेजर पासिस ऑफ इस रिस्पांसिबिलिटी टू हिज सबॉर्डिनेट व्हिच मींस रिस्पांसिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड तो प्रोसेस कब चालू हुआ यानी डेलीगेशन कब चालू हुआ डेलीगेशन इस पॉइंट पर चालू हुआ जहां पे ये जो मैनेजर है ना स्टूडेंट्स ये क्या कर रहा है अपनी जो प्रोडक्शन है ये प्रोडक्शन ये डिवाइड कर रहा है इस पॉइंट पर डेलीगेशन चालू हुआ कि प्रोडक्शन टू टू हंड्रेड में वो डिवाइड कर रहा है समझ में आया आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सो रिस्पॉन्सिबिलिटी का इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको आई होप उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो गया ना फीचर्स फर्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अब्लिगेशन ऑफ अब ऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी सो ये जो सब ऑर्डिनेट्स थे टोटल कितने सब ऑर्डिनेट्स थे हमारे एग्जाम्पल में पाँच वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है हर एक सब ऑर्डिनेट को कितने यूनिट्स बनाने थे टू हंड्रेड यूनिट्स ईच अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सबॉर्डिनेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 200 यूनिट्स बना के देने हैं टू हंड्रेड यूनिट्स का प्रोडक्शन क्या करना है कंप्लीट तो फर्स्ट फीचर क्या है फर्स्ट फीचर है कि सब की ये ड्यूटी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको जो काम दिया जाए वो उसे कंप्लीट करना है ओके okay, स्टूडेंट्स तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया एंड अगर ये पॉइंट समझ आया तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में अब सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीचर इट अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सब रिलेशनशिप बिकॉज द सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म ड्यूटी असाइंड बाय हिज सुपीरियर तो आप मुझे मेरे एग्जांपल में बताइए कि इन पांच इन पांच सबोर्डिनेट्स के सुपीरियर कौन थे इनके सुपीरियर थे सेल्स मैनेजर है ना तो इन पांच सबोर्डिनेट्स के सुपीरियर थे सेल्स मैनेजर समझ में आया तो अब यहां पर इट अरराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबोर्डिनेट रिलेशनशिप जब सेल्स मैनेजर ने इन पांचों को प्रोडक्शन बांटा उसी को बोला डेलीगेशन ठीक है तो डेलीगेशन अराइजेस फ्रॉम यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सब रिलेशनशिप बिकॉज इन पांच सब की ड्यूटी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको काम कंप्लीट करके मैनेजर को असाइन करना है ओके रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड बिकॉज सब विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल टू ही सुपीरियर है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो हो रही है अपवर्ड क्योंकि यहाँ है सेल्स मैनेजर और सेल्स मैनेजर ने काम बांटा है पांच सब में अब इन पांच सब को काम कंप्लीट करके किसको रिपोर्ट करना है सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट करना है तो आप कैसे देख रहे हैं अपवर्ड अपवर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो हो रही है ठीक है अपवर्ड ठीक है जब वो डेलीगेट कर रहे थे तो डेलीगेट कैसे कर रहे थे डाउनवर्ड और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो हो रही है अपवर्ड समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स तो आपको आई होप ये तीन पॉइंट समझ में आए एंड ये एग्जाम्पल भी आप नोट डाउन कर सकते हो और यहाँ पे अपवर्ड ये वाला केवल पार्ट नोट डाउन करिए क्योंकि पिछली स्लाइड में आप ऊपर वाला पार्ट नोट डाउन कर चुके हैं ठीक है सो so, ये अपवर्ड वाला आपको चीज याद रहे इसलिए ये पर्टिकुलर डायग्राम नोट डाउन करना नाउ आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट जो एलिमेंट है इज अथॉरिटी ठीक है अथॉरिटी बिल्कुल डिसीजन मेकिंग से लिंक होता है ठीक है जैसे आपको छुट्टी चाहिए स्कूल के बाद कहीं घूमने की आपके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछते हो ना कहना गो टू माई फ्रेंड्स प्लेस तो वो क्या है उनकी अथॉरिटी है कि वो आपकी लाइफ के डिसीजन लें क्योंकि आप उतने केपेबल नहीं है आपके जो सोचने की शक्ति है वो उतनी नहीं है जितनी उनकी है वो आपका अच्छा बुरा समझते हैं इसलिए वो आपके बिहाफ पर डिसीजन्स लेते हैं आपकी लाइफ के राइट सो so, वो क्या है उनके पास वो अथॉरिटी है ठीक है बट बिजनेस के परस्पेक्टिव में देखें तो सेल्स मैनेजर के पास अथॉरिटी है वो ले रहा है डिसीजन समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स सो अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन ठीक है अथॉरिटी का मतलब क्या होता है पावर टू टेक डिसीजन नाउ अब मैं इसको उसी एग्जाम्पल के थ्रू ब्रेक करके आपको समझाती हूँ किसको दिया गया था टॉप लेवल मैनेजर ने टारगेट सेल्स मैनेजर को दिया था ठीक है सेल्स मैनेजर के अंदर कितने लोग थे फाइव सबऑर्डिनेट्स थे एक सबऑर्डिनेट को कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने थे 200 यूनिट्स टोटल टारगेट कितना था 1000 यूनिट्स टाइम पीरियड कितना था वन मंथ यही था सब कुछ ठीक है अब यहाँ पर टोटल फाइव में से एक सबऑर्डिनेट बीमार पड़ गया तो इस वजह से 800 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन हो पाया वहां पे सेल्स मैनेजर ने कोई अथॉरिटी नहीं दिखाई वो चुपचाप बैठा था ठीक है हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बट अगर मैं सिचुएशन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं या फिर मैं एग्जाम्पल को थोड़ा सा बदल दूं तो मान लीजिए यहां पर सेल्स मैनेजर ने ये डिसीजन लिया कि ये इसकी जगह पर इमीडिएटली ये जो बाकी बचे हुए चार सब ऑर्डिनेटे फिफ्टी 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 का प्रोडक्शन और हैंडल करेंगे एंड ये वन थाउजेंड का टारगेट फुलफिल करेंगे एंड उनको वो डबल पे करेगा उन फिफ्टी यूनिट्स के क्योंकि वो उनका काम नहीं था ठीक है और इनको कुछ भी आ, पे नहीं करेगा बट ये उनकी सिकलीव पेड होंगी ठीक है इतना बोल दिया गया था सो so, ये डिसीजन लिया किसने सेल्स मैनेजर ने तो यहां पर क्या रिफ्लेक्ट हो रही है स्टूडेंट्स यहां पर अथॉरिटी रिफ्लेक्ट हो रही है okay? समझ में आया नाउ लेट्स मूव टू फर्दर पार्ट ऑफ द पैराग्राफ सो टू कैरी ऑन द रिपॉन्सिबिलिटीज एवरी एंप्लॉय नीड टू हैव सम अथॉरिटी सो वैन मैनेजर्स आर पासिंग देयर रिस्पांसिबिलिटी टू द सबॉर्डिनेट दे ऑल्सो पास सम अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट ठीक है अब मैनेजर्स जब जिम्मेदारी दे रहे हैं दो हंड्रेड यूनिट टू हंड्रेड यूनिट की प्रोडक्शन के लिए तो वो साथ, -साथ में डिसीजन मेकिंग की पावर भी दे रहे हैं तो अगर कोई सब ऑर्डिनेट को लग रहा है कि काम नहीं हो पाएगा उसको फटाफट जाके मैनेजर को बोल रहे हैं सर मुझसे काम नहीं हो पाएगा बिकॉज मेरे एंड पे ये इशूज चल रहे हैं तो वो उनकी अथॉरिटी है यह उन्हें डिसाइड किया कि उनसे काम नहीं हो पाएगा इससे क्या होगा सेल्स मैनेजर को हेल्प मिलेगी कि वो फटाफट उस पर्सन को रिप्लेस कर दे ठीक है और प्रोडक्शन डीले ना हो और उनका नुकसान ना हो उनके पैसे ना कटे सिंपल सी बात है ना उसके बाद दे पास सम अथॉरिटी टू द द डेलीगेटिंग अथॉरिटी इज द सेकंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस वाइल्ड शेयरिंग द अथॉरिटी मैनेजर्स कीप इन कीाइड दैट अथॉरिटी मैचिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड ओनली बी डेलीगेटेड दे शेल नॉट पास ऑल दियर अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट ऑब्वियसली मैनेजर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं

ये वाली थोड़ी लाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ग्रीन से मार्क कर रही हूँ दे ऑल्सो पास सम अथोरिटी टू द सबऑर्डिनेट ठीक है नाउ अब उसके बाद यहाँ पर वाइल्ड शेयरिंग द अथॉरिटी मैनेजर्स कीप इन माइंड द अथॉरिटी मैचिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड ओनली बी डेलीगेटेड दे डू नॉट पास देयर एंटायर अथॉरिटी दे पास ओनली सम अथॉरिटी ठीक है चाहो तो इसको और शॉर्ट भी कर सकते हो शॉर्ट कैसे कर सकते हैं Managers don't delegate, don't give complete authority to subordinates. थीके? इसको फटाफट नोट डाउन करो देन हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ओके ठीक है? तो आई होप आपने इसके देखते हैं जैसे समझने के हमने उसके समझे, समझे थे अब इसके भी हम फीचर्स समझेंगे अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से उनका क्या मतलब है अपन ने पढ़ा था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट लेक्चर जहाँ पर एक हर होती है जो टॉप टू बॉटम फ्लो हो रही है ठीक है तो यहां पर टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं यहाँ मिडिल लेवल और यहाँ लोअर लेवल मैनेजर्स ठीक है तो यहां पर इंडिविजुअल की पोजीशन से अथॉरिटी डिटरमाइन हो रही है अगर इंडिविजुअल सीईओ है तो वो टॉप लेवल मैनेजर है ठीक है उनकी अथॉरिटी उनकी पोजीशन से है अगर इंडिविजुअल सेल्स मैनेजर है तो वो मिडिल लेवल मैनेजर है डिपार्टमेंटल मैनेजर है उनकी अथॉरिटी उनकी पोजिशन से है अगर इंडिविजुअल एक नॉर्मल वर्कर है जो प्रोडक्शन में काम कर रहा है जो प्रोडक्शन के टाइम पर वर्क कर रहा है लेबर है ठीक है तो उनकी जो अथॉरिटी है वो उनकी पोजीशन के हिसाब से डिटरमाइन होगी कि उनको कितनी डिसीजन मेकिंग की पावर है नाउ अथॉरिटी रिफर्स द राइट टू टेक डिसीजन ड्यू टू योर मैनेजरियल पोजिशन ठीक है अथॉरिटी का मतलब क्या होता है डिसीजन लेने का हक ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अभी डिसीजन लेने का हक नहीं है क्योंकि आप अभी छोटे हो यू माइट बी बिलो 18 ईयर्स और अबाउ 18 ईयर्स बट नॉट अबाउट 22 टू इयर्स ईयर्स तो आपके भी हाफ डिसीजंस डिसीजन लेने की हक किसके पास है आपके पेरेंट्स के पास है ठीक है जब आप बड़े हो जाएंगे आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेंगे ओके स्टूडेंट्स सो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है यहाँ पर यहाँ पर जो वर्कर है उनके भी हाफ पे डिसीजन लेंगे टॉप लेवल द पर्सन इज इन नाउ अथॉरिटी डिटरमाइन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एज सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट हिस्सिजन टू सबॉर्डिनेट एक्सपेक्टिंग कंप्लाइंस फ्राम हिम एज पर हिस डेक्शन ठीक है right Now, तो अथॉरिटी में क्या होता है कि आपके जो सुपीरियर होते हैं वो आपको बताते हैं कि उनका क्या डिसीजन है आपको क्या क्या काम करना है वो आपके सुपीरियर बताते हैं आपको ठीक है बींग इफ़ यू आर अ लेबर इफ़ यू आर अ वर्कर ठीक है तो यही बात यहाँ पर बोली गई है सबॉर्डिनेट कम्युनिकेट्स हिज डिसीजन टू सबॉर्डिनेट एक्सपेक्टिंग कम्प्लायंस फ्रॉम हिम एज पर इज डायरेक्शन तो आपस में भी लोग बात करते हैं अगर सेम मैनेजरियल पोजिशन पे हो तो उनके कंप्लायसेस उनके डायरेक्शन किस हिसाब से आते हैं जितनी उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है उस हिसाब से आते हैं डिसीजन मेकिंग

थॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल कैसे हो गई ठीक है मैं बताती हूं कैसे देखिए स्टूडेंट्स हमारा जो एग्जाम्पल था सेल्स मैनेजर को बनाने हैं वन थाउजेंड यूनिट्स उसने डेलीगेट किया पांच सब में ठीक है टू हंड्रेड टू हंड्रेड पर सबोर्डिनेट जो है वो प्रोडक्शन करेंगे ताकि 1000 units का production हो पाए ठीक ठीक है है अब पर अब पर हैं डिसीजन इन्होंने लिया था कि प्रोडक्शन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ठीक है तो इनके पास क्या है अथॉरिटी है अब इन पांचों सबॉर्डिनेट के पास भी क्या है अथॉरिटी है ठीक है कि ये डिसाइड करें कि मान लो अगर प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल कम पड़ गया तो डिसाइड करें कि मैनेजर को उस बारे में बताना है ताकि रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो ठीक है आपस में कंप्लायंस करके चलें कि इन सब का प्रोडक्शन एक सा हो क्योंकि सारे यूनिट्स एक से होने चाहिए कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो इनके आपस का तालमेल भी बहुत मैटर करता है अगर कोई पर्सन बीमार है ठीक है मान लीजिए ये पर्सन है वो बीमार है और ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो इनकी क्या है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेल्स मैनेजर को बताए कि सर मुझसे काम करते नहीं बन रहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ पर वो क्या ले रहे हैं यहाँ पर वो डिसीजन ले रहे हैं यानी वो अथॉरिटी भी दिखा रहे हैं कि मैं काम नहीं कर पाऊँगा वो डिसीजन ले रहे हैं सो so आपने क्या देखा वो रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं और वो डिसीजन भी ले रहे हैं साथ में और यहाँ पर क्या हो गया अथॉरिटी इक्वल टू रिस्पांसिबिलिटी हो गया समझ रहे हो आप स्टूडेंट्स तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया है शुरू लाइन से पढ़िए अथॉॉरिटी इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ क्योंकि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग हाईलाइट हो रही है ठीक है और नेक्स्टली उन्होंने क्या बताया एंड रेगुलेशन ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो यहां पर बोल रहे हैं अथॉरिटी कैसे डिटरमाइन होती है स्केलर चेन से ठीक है नाउ अथॉरिटी अराइजेज फ्रॉम द स्केलर चेन विच लिंक्स वेरियस जॉब पोजिशन टॉप लेवल मैनेजर्स मिडिल लेवल लोअर लेवल अथॉरिटी फ्लोस डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है समझ में आया सो so, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लिखोगे येस इट इज ट्रू और आप एग्जाम्पल के थ्रू एंड थ्योरी पार्ट दोनों के थ्रू आप एक्सप्लेन करोगे एंड ये क्वेश्चन मैं आपको समझ जाऊंगी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में भी इस चैप्टर जब एंड होगा उसके बाद ठीक है जब इसका थ्योरी पार्ट एंड होगा नाउ थर्ड सेगमेंट या थर्ड एलिमेंट डाट इज अकाउंटेबिलिटी सो अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया एंड अगर अच्छे से समझ आया है सब कुछ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर कोई भी ऐसे एरियाज हैं जहां पर आपको केस स्टडीज एक्जाम्पल्स और चाहिए डू लेट मी नो आई विल कम अप विद अ सेपरेट वीडियो ऑन इट नाउ स्टूडेंट्स टू मेक श्योर दैट द इम्प्लॉइज और सबॉर्डिनेट्स परफॉर्म देयर रिस्पांसिबिलिटीज़ इन देयर एक्सपेक्टेड मैनर द अकाउंटेबिलिटी इज क्रिएटेड ठीक है सो so, मान लीजिए आप घर पे काम कर रहे थे ठीक है आप स्कूल से आए ठीक है तो स्कूल से जनरली जब स्टूडेंट्स आते हैं तो क्या करते हैं एक पेयर ऑफ शूज उस तरफ फेंक देते हैं दूसरा पेयर ऑफ शूज़ उस तरफ एंड आराम से जा सोफ़ा पे बैठ जाते हैं टीवी ऑन करते हैं कार्टून चैनल ऑन करते हैं एंड बढ़िया से बैठ जाते हैं और फिर खाते खाते कार्टून देखते हैं थोड़ी देर बाद जब घर किचन से निकल के मम्मा बाहर आती हैं तो क्या बोलती हैं वॉट इज दिस एक जूते का पैर उस तरफ एक जूते का जूते का पैर उस तरफ तो आपको चिल्लाती है येस और नो सो आप क्या करते हो डर के मारे चुपचाप जाते हो दोनों जूते उठाते हो रैक में जाके अच्छे से रख के आते हो करते हो कि नहीं ऐसा सो इट हैपन्स आपने क्या ली उसकी अकाउंटेबिलिटी ली जो आपसे गलती हुई मान लीजिए कोई घर है वहाँ पर दो हाउस हेल्प्स हैं ठीक है एक जो क्लीनिंग वर्क करते हैं और एक जो कुकिंग वर्क करते हैं ठीक है अब एक हाउस हेल्प है जब वो कुकिंग कर रहे थे तो फ्रिज से उन्हें पीस चाहिए थे यानी मटर और वो फ्रोज़न पीस चाहिए थे तो जैसे ही वो फ्रीज़र का गेट ऐसे खोलते हैं फ्रीज़र में एक अलग से डोर लगा होता है जैसे ही वो फ्रीज़र का डोर खोलती हैं हाउस हेल्प उनसे गलती से वो टूट जाता है और वो बहुत घबरा जाती हैं तो वो क्या करती हैं कि वो फ्रीज़र का जो डोर है जैसे ही टूट जाता है थोड़ी सी आवाज़ तो आती है तो जो मैम है वो पूछती है क्या हो गया बोलती है नहीं कुछ नहीं हुआ और चुपचाप से वो डोर जो है वापस उसको लगा देती हैं एज इट इज़ ठीक है और अगली बार अगर कोई भी खोलेगा तो वो गिर ही जाएगा इस तरह से लगाती हैं अब क्या हुआ कि जो जिन्होंने उनको हायर किया है कुकिंग के लिए वो आती हैं और वो देखती हैं कि फ्रीज़र का डोर तो टूटा हुआ है तो वो क्या बोलती है मैंने नहीं तोड़ा ये डोर ठीक है बाबा ने तोड़ा होगा यानी छोटा कोई उनके घर में बच्चा होगा उसने तोड़ा होगा ठीक है तो उन्होंने बोला वो तो स्कूल से आया ही नहीं है सुबह तो एकदम ठीक था मैंने खुद सुबह खोला था फ्रीज़र आप नहीं तोड़ा है तो उसने बोला नहीं मैंने नहीं तोड़ा अब वहाँ पे घरों में तो सीसीटीवी फुटेज होते नहीं है बट कुछ समय के बाद क्या था कि फोर थाउजेंड रुपीज़ का वो कव जो गेट है फ्रीज़र का वो रिप्लेस हो रहा था एंड मैम को बहुत परेशान देखते हुए हाउस हेल्प खुद गई उसने माफ़ी मांगी कि गलती से मुझसे टूट गया ठीक है आई एम सॉरी गलती से मुझसे टूट गया मैंने ही तोड़ा एंड मैंने पहले इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली आप चाहो तो ये पैसे मेरी सैलरी से कट कर सकते हो तो उनने बोला सच बोलने के लिए थैंक यू बट मैं आपके पैसे कट नहीं करूँगी सो so, यहाँ पे आती है स्टूडेंट्स अकाउंटेबिलिटी यानी अगर कुछ गलती हुई है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी लो ठीक है सो दिस ब्रिंग्स अस टू दिस टॉपिक बट इन बिजनेस पर्सपेक्टिव अभी तक हमने अकाउंटेबिलिटी कहाँ देखी हमारे हाउस होल्ड परस्पेक्टिव से अब आते हैं बिजनेस परस्पेक्टिव से टू मेक श्योर दैट द इम्प्लॉयज़ और सब ऑर्डिनेट्स परफॉर्म देअर रिस्पांसिबिलिटीज इन देयर एक्सपेक्टेड मैनर अकाउंटेबिलिटी इज क्रिएटेड कोई भी इम्प्लॉयज़ जब कुछ काम करते हैं अगर वो जिस मैनर में उनको काम बोला गया वो वैसे नहीं करते तो गलतियाँ होती है गलतियाँ होती हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी वही लेंगे सो so, अकाउंटेबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी लेना कोई भी वर्क की ओके सो अकाउंटेबिलिटी मीन्स सबॉर्डिनेट्स विल बी आंसरेबल टू नॉन कम्प्लीशन ऑफ टास्क ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ठीक है नाउ क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी इज द थर्ड एंड द फाइनल स्टेप ऑफ द डेलीगेशन प्रोसेस ठीक है अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड और डेलीगेटेड ठीक है तो इसका एक एग्जाम्पल आपकी बुक्स में गिवन है सेल्स मैनेजर वही सेम एग्जाम्पल जो मैं आपको पिछले सेशन से कैरी करके अलग अलग केसेस में समझा रही हूँ वही सेम एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ सेल्स मैनेजर के अंदर हैं फाइव सब ठीक है अब फाइव सबऑर्डिनेट्स में मान लीजिए एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन जहां पर एक सबऑर्डिनेट है उसको दिया गया था टू हंड्रेड यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए ठीक है तो अब क्या हुआ जिस मशीनरी में वो ये मैन्युफैक्चर कर रहा था सबको छोटी छोटी अलग अलग मशीन प्रोवाइडेड थी ठीक है तो जिस मशीनरी में वो ये मैन्युफैक्चर कर रहा था वो मशीनरी के जो नट है उस मशीनरी का जो नट है वो ओपन हो जाता है एंड जो एक प्लेट लगी हुई है वो प्लेट उखड़ जाती है ठीक है और ये क्या बोलता है कि आ, मैंने तो ये नहीं किया ये पहले से ही टूटी हुई थी अभी मैंने केवल फाइव यूनिट्स का ही प्रोडक्शन किया है मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये पहले से टूटी है जबकि इससे टूटी थी ठीक है और इस वजह से प्रोडक्शन डिले हो गया फाइव डेज़ के लिए क्योंकि वो रिप्लेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा राइट स्टूडेंट्स तो प्रोडक्शन फाइव डेज के लिए डिले हो गया जो कि बहुत बड़ी बात है थर्टी डेज में पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट करना है कैसे हो पाएगा सो so, फाइव डेज के लिए प्रोडक्शन डिले हो गया बट इसने उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली तो सेल्स मैनेजर ने इसको हटा दिया फायर कर दिया तो आप अगर कुछ गलती करते हो वो गलती आप किसी और पे पास नहीं कर सकते अकाउंटेबिलिटी नॉट बी डेलीगेटेड ठीक है आप किसी और को नहीं बोल सकते मैंने नहीं किया उसने किया ठीक है ऐसा नहीं बोल सकते आप अगर आपने ऐसे बोला योर जॉब इज इन अ पोजिशन कि आप फायर हो सकते हो ठीक है नाउ अकाउंटेबिलिटी क्या होती है थर्ड और फाइनल स्टेप होती है और सबऑर्डिनेट विल बी आंसरेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क अगर काम खत्म नहीं हो पाया तो इन, इनको तो क्वेश्चन किया ही जाएगा साथ में इस पर्सन को बुलाया जाएगा कि मशीन आखिर खराब कैसे हुई सीसीटीवी फुटेज चेक होगी एंड ये पकड़े जाएंगे और अगर फिर ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है इनको रखना है या नहीं रखना सो दिस कम्स ब्रिंग्स अस टू दिस टॉपिक दैट इज अकाउंटेबिलिटी ओके स्टूडेंट्स नाउ इट कैन ओनली बी शेयर्ड विद सबऑर्डिनेट्स व्हिच मींस आफ्टर डेलीगेटिंग रिस्पांसिबिलिटी रिस्पॉसिबिलिटी अथॉरिटी फॉर नॉन कंप्लीस ऑफ टास्क यानी सेल्स मैनेजर भी रिस्पॉन्सिबल होगा जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्शन मैनेजर एज गि टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्वेंटी मशीन ठीक है तो यहां पर एक प्रोडक्शन मैनेजर है आप ना बड़ी बड़ी जो केस स्टडीज होती है मैं आपको उसको यहाँ ड्रॉ करके समझाती हूँ आप ये ड्रॉइंग वाला पार्ट लिख लिया करो क्योंकि विजुअल जितनी चीज होती है ना स्टूडेंट्स वो अपन को याद रहती है एग्जाम में ओके सो so यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर है ठीक है प्रोडक्शन मैनेजर है अब प्रोडक्शन मैनेजर को टारगेट दिया गया था उसको 20 मशीन बनानी है वन मंथ के समय में ठीक है तो 20 मशीन उसको बनानी है

जिनको क्या बोलते हैं फोर मैन ठीक है नाउ अब इसमें ये चारों लोगों ने प्रोडक्शन चालू किया ठीक है और ईच बट वन फोरमैन कुड नॉट अचीव द टारगेट एंड एक फोरमैन जो है वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए ठीक है इनको बनानी थी पांच इनको बनानी थी पांच मशीन इनको भी पांच मशीन और इन्होंने केवल और केवल बनाई लाइक टू मशीन ठीक है, तो आपने क्या देखा टोटल सत्रह मशीन ही बन पाई टोटल सत्रह मशीन ही बन पाई द प्रोडक्शन मैनेजर विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टारगेट एंड अकाउंटेबिलिटी नॉट बी ट्रांसफर्ड और श्यर इट इज एन एब्सोल्यूट टर्म तो कौन रिस्पॉन्सिबल है ये सत्रह यूनिट्स के प्रोडक्शन का जबकि बीस यूनिट्स बोला था मशीन के तो प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है है ना प्रोडक्शन मैनेजर कौन है अकाउंटेबल है प्रोडक्शन मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदारी अब टॉप लेवल मैनेजर्स चाहें तो इनको ग्रिल कर सकते हैं ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ आपने जाके चेक नहीं किया कि क्यों नहीं कर पा रहा है स्लो वर्किंग है न्यू वर्कर है इट इज़ योर फॉल्ट एज अ मैनेजर डैट यू कैनॉट लुक अप टू द वर्क विच यू विच हैज़ बीन गिवन टू यू ठीक है यही बात इस एग्जाम्पल में समझाई गई है इसको अच्छे से ड्रॉ करिए स्टूडेंट्स एंड एक एक केस स्टडी को अच्छे से ड्रॉ करिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओके नाउ फीचर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी तो हर टॉपिक के फीचर्स भी साथ में आ रहे हैं तो फीचर्स क्या हैं अकाउंटेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटपुट मैंने बोला ना जवाबदारी जवाबदारी तो जवादारी क्या होता है ओके नाउ इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड और पास्ट आप अगर किसी चीज के लिए आंसरेबल हो आप उसको ये नहीं बोल सकते मेरी गलती नहीं है वो आंसर करेगा ठीक है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप आंसर करोगे थ्रू रेगुलर फीडबैक ऑन द एक्सटेंट ऑफ वर्क अकम्प्लिड इट फ्लोज अपवर्ड डेट इज सब विल बी अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर तो प्रोडक्शन मैनेजर हमारे एग्जाम्पल में ट्वेंटी मशीन वाले प्रोडक्शन मैनेजर विल बी अकाउंटेबल टू टॉप लेवल मैनेजर्स एंड सब विल बी आंसरेबल टू प्रोडक्शन मैनेजर ठीक है तो आपने क्या देखा अपवर्ड फ्लो हो रही है अप ठीक है अकाउंटेबिलिटी अप फ्लो होती है जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है समझ में आया अब डिफरेंस बिटवीन रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी सो मीनिंग रिस्पांसिबिलिटी का मतलब होता है कि फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी जो एक इंडिविजुअल को परफॉर्म करनी है ऑर्गनाइजेशन में और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन कि काम कंप्लीट हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीट हो ठीक है डेलीगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड एज सुपीरियर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबॉर्डिनेट को पास करते हैं अकाउंटेबिलिटी तो कभी भी डेलीगेट नहीं हो सकती क्योंकि अगर कोई काम गलत हो रहा है उसके लिए वही आंसरेबल होगा जिससे वो काम गलत हुआ है ठीक है अब सुपीरियर के पास होती है यूजअली अकाउंटेबिलिटी फ्लो ऑफ डायरेक्शन यहाँ पे भी अपवर्ड होता है और यहाँ पर भी अपवर्ड होता है क्योंकि मैनेजर्स विद मोर अथॉरिटी आर मोर अकाउंटेबल एज यू मूव अप इन द मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी इंक्रीजेस ठीक है पिरामिड की बात कर रहे हैं यहाँ पे वो लोग तो ये था अपना डिफरेंस बिटवीन ओके स्टूडेंट्स अब डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ठीक है तो अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर टू टेक डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ड्यूटी और टास्क होती है जो परफॉर्म करनी है एक इंडिविजुअल को ओके okay, ओरिजिन अथॉरिटी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आती है टॉप लेवल मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल ठीक है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर सब ऑर्डिनेट रिलेशनशिप की वजह से आती है ओके डायरेक्शन ऑफ फ्लो तो अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो होती है आज सुपीरियर असाइन टास्क टू सब सब ऑर्डिनेट सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, होती है सब sub, सब की वो सुपीरियर को सब कुछ बताए और यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कैसे होती है टॉप टू मिडिल टू बॉटम तो इसलिए डाउनवर्ड होती है ओके okay, डेलीगेशन ये कर, ये डेलीगेट हो सकती है ये कभी भी डेलीगेट नहीं हो सकती कंप्लीटली क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी में सुपीरियर अपनी कुछ ही पावर्स को डेलीगेट करता है सभी नहीं ओके okay? तो ये था डिफरेंस बिटवीन अब कंपैरेटिव स्टडी यानी तीनों को साथ में ले लें एंड कंपेरेटिव स्टडी करें तो फर्स्ट मीनिंग अथॉरिटी होता है पावर टू टेक डिसीजन ऑब्लिगेशन होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क अकाउंटेबिलिटी होती है आंसरेबल फॉर द आउटपुट ऑफ द असाइन टास्क सो डिसीजन बिलिटी ठीक है नाउ डेलीगेशन इट कैन भी डेलीगेटेड इट कैनॉट भी फुल्ली डेलीगेटेड इट के नॉट बी एवर डेलीगेटेड ओके ना ओरिजिन फ्राम फॉर्मल पोजिशन अराइजेसन ऑफ अथॉरिटी अराइजेज फ्राम रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है नाउ फ्लो ऑफ डायरेक्शन ये डाउनवर्ड फ्लो होता है सुपीरियर टू सब ऑर्डिनेट ये अपवर्ड होता है सब ऑर्डिनेट टू सुपीरियर और ये भी अपवर्ड होता है सब ऑर्डिनेट टू सुपीरियर बट एक्चुअली में अकाउंटेबिलिटी में फर्स्ट सुपीरियर ही जाता है क्योंकि उसको पूरी आंसर करना होता है ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये थी कंपेरिटिव स्टडी नाउ रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी सो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखना कि अगर कंपेरेटिव स्टडी पूछी जा रही है या फिर आपसे डिफरेंस बिटवीन पूछा जा रहा है तो टैबुलर फॉर्मेट जरूर बनाना है नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे अब आते हैं इस टॉपिक पर रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी सो अथॉरिटी इज डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अज्यूम्ड एंड अकाउंटेबिलिटी इज इम पोस्ट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है अथॉरिटी इज़ डेलीगेटेड मतलब अथॉरिटी क्या होती है डिसीजन मेकिंग तो टॉप लेवल मैनेजर्स डिसीजन लेके किसको देते हैं डिसीजन किस पे पास करते हैं मिडिल लेवल और मिडिल लेवल किस पे पास करते हैं लोअर लेवल तो अथॉरिटी इज डेलीगेटेड नाउ नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अज्यूम्ड तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पूरे वर्क की ठीक है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से अज्यूम की जाती है वो मैनेजर आपको नहीं बोलता कि आप रिस्पॉन्सिबल हो आपको वो बस अथॉरिटी दे रहे हैं बाकी काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अज्यूम्ड एंड अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोस्ड तो जो मैनेजर है वो अकाउंटेबिलिटी लेगा चाहे सब ऑर्डिनेट की गलती हो चाहे उसकी खुद की गलती हो ओके नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज डिराइव फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यहाँ पर क्या बोला है कि अथॉरिटी है अथॉरिटी की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अकाउंटेबिलिटी आई ठीक है तो एक दूसरे के बिना ये तीनों टर्म्स अधूरे हैं इसलिए यहां पे बोला है रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी इज डिराइव फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है तो ये सारी चीजें आपको समझाई गई हैं आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया मिलेंगे अगले सेशन में बट जाने से पहले सुनिए आप सभी मैग्नेट ब्रेन प्लेटफॉर्म पर इट इज इंडियाज ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडर टू क्लास ट्वेल्थ हम आपको तैयारी करवाते हैं सी बोर्ड एस एंड ये सारे स्टेट बोर्ड की राजस्थान बोर्ड वी प्रोवाइड यू वेदिक एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज एज वेल सो अगर आप चाहें तो वो कोर्सेज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स हम आपको क्रैश कोर्सेस भी प्रोवाइड करते हैं एग्जाम से जस्ट पहले ताकि ता आपका कंप्लीट रिविजन हो पाए उसके अलावा हमारी ऐप वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे डेली फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल लाइक दिस वीडियो एंड फॉलो अवर अदर सोशल मीडिया हैंडल्स थैंक यू सो मच इन द नेक्स्ट सेशन सुपर सुई